हेलो दोस्तों, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स अलावादी में। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग का टॉपिक चल रहा था अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन यानी इंटरनेशनल समिट्स, जिसको इंग्लिश में इंटरनेशनल समिट्स कहते हैं और हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन और यानी बैठकें। तो दोस्तों, चैनल में पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड अपलोड हो चुका है। जो भाई बहन नए हों वो जाके पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड देख सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, जो कि वीडियो पार्ट थ्री है। तो पार्ट थ्री में वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, बात करते हैं जी ट्वेंटी की बात करते हैं, या 20 देशों का समूह है। तो दोस्तों, G7 की तरह ये भी एक समूह है, ये 20 देशों का समूह है। इसमें सदस्य देश हैं 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन संघ, जिसको हिंदी में यूरोपीय संघ कहते हैं। दोस्तों, मेरे अनुसार उसमें 19 देश हैं तथा एक इसमें संघ जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे इसको। तो इसकी स्थापना दोस्तों 1999 में हुई थी। किसकी? G20 की। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। और आगे देखते हैं, और इसकी स्थापना बर्लिन जर्मनी में हुई थी। जर्मनी का एक शहर है बर्लिन, तो वहां पर इसकी स्थापना हुई थी, मतलब इसका जन्म। जैसे पूछे ना आपका जन्म गाँव, उसी तरह G20 का जन्म बर्लिन जर्मनी में हुआ था। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। G20 समूह को आर्थिक विकास के लिए मनाया गया था। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इतना समझ में आया होगा और सभी लोग अपने नोट्स बनाते हुए चलना। तो दोस्तों, आगे देखेंगे कि G20 के जो देश हैं उनको याद करने की ट्रिक क्या है। तो उनकी ट्रिक है गुरु जी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी दोस्तों, गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है। तो जी से हो जाएगा जर्मनी, हो जाएगा USA यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, तो इसका हिंदी में कहते हैं अमेरिका। आगे हो जाएगा आर से, हो जाएगा रसिया, रसिया को हिंदी में कहते हैं रूस। फिर यू से हो जाएगा UK यानी यूनाइटेड किंगडम, जिसको हिंदी में कहते हैं ब्रिटेन। फिर जे से हो जाएगा जापान, और फिर अगले आई से हो जाएगा इटली। तो ये हो गया गुरुजी। फिर आगे देखते हैं सीता, तो सीता का होगा यस से हो जाएगा साउथ अफ्रीका यानी हिंदी में दक्षिण अफ्रीका। फिर आई से हो जाएगा इंडिया, और फिर टी से हो जाएगा टर्की यानी हिंदी में कहते हैं इसको तुर्की। फिर आगे हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, जिसे हिंदी में ऑस्ट्रेलिया लिखते हैं। तो दोस्तों, गुरु जी सीता। आगे देखेंगे अब, तो ए से हो जाएगा अर्जेंटीना, बी से हो जाएगा ब्राजील। फिर SSC, तो एस से हो जाएगा साउथ कोरिया यानी हिंदी में दक्षिण कोरिया। फिर एस से हो जाएगा सऊदी अरब यानी हिंदी में सऊदी अरब। फिर उसे सी से हो जाएगा कनाडा, जिसको हिंदी में भी कनाडा कहते हैं। आप लोग नोट्स बनाते हुए चलना। फिर हो जाएगा आगे फ्रांस, एफ से हो जाएगा फ्रांस। फिर सी से हो जाएगा चाइना। फिर आई से हो जाएगा इंडोनेशिया। फिर एम से हो जाएगा, मतलब फिर मे को देखेंगे, एम से हो जाएगा मैक्सिको। ई से हो जाएगा यूरोपियन यूनियन, यानी हिंदी में कहते हैं यूरोपीय संघ। तो दोस्तों, ये थी G20 की ट्रिक, याद मतलब देशों की ट्रिक याद करने की। गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती हैं, इसको 2-3 बार दोहराना तो आप लोगों को ये मतलब याद हो जाएगा। गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है। कि G20 की बैठकें, जो G20 की मीटिंग्स होती हैं, वो कहां कहां पर आयोजित हुई हैं और आगे कहां पर आयोजित होंगी। तो दोस्तों, देखेंगे इसकी जो फर्स्ट मीटिंग यानी जो इसकी प्रथम बैठक है वो Washington DC अमेरिका 2008 में हुई थी। मतलब Washington DC में हुई थी, अमेरिका का एक शहर है Washington DC, वहाँ पर 2008 में हुई थी इसकी प्रथम बैठक। तो वाशिंगटन, जो डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, इसका पूरा नाम होता है वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, इसको शॉर्ट में Washington DC कहते हैं। दोस्तों, देखेंगे आगे देखें 2021 में इसकी बैठक रोम इटली में हुई थी। तो 2021 में जो पिछले साल इसकी बैठक हुई थी वो क्या कहते हैं, इसकी बैठक रोम इटली में हुई थी। दोस्तों, जो 2022 मतलब इस साल इसकी जो बैठक होने वाली है वो जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित होगी। इसकी जो इस साल बैठक होने वाली है जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित होने वाली है। दोस्तों, जो 2023 में यानी अगले साल में होगी वो नई दिल्ली भारत में होगी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग नोट्स बनाते चलते होंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें। इसमें जो एक आया था यूरोपियन यूनियन, यानी तो जिसमें 19 देश थे और एक यूरोपियन संघ था G20 में, तो उसी यूरोपियन यूनियन के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो यूरोपियन यूनियन है यानी हिंदी में इसे कहते हैं यूरोपीय संघ, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1993 यानी इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। दोस्तों, आगे देखते हैं, इसमें 27 देश आते हैं, मतलब जो यूरोपीय संघ है इसमें 27 देश आते हैं। लेकिन आप लोगों को पता है कि दुनिया में 159 देश हैं समथिंग, तो उसमें मतलब आप लोगों सभी देश तो याद कर नहीं सकते हैं, तो 27 से कभी पेपर में पूछा भी नहीं आता। इसलिए इसमें इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय देखेंगे, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम, मतलब बेल्जियम के एक शहर ब्रुसेल्स, वहाँ पर इसका मुख्यालय स्थित है,
यूरोपीय संघ का। तो दोस्तों देखेंगे इसमें अभी जो लेटेस्ट क्वेश्चन बनेगा, इससे अभी हाल ही में ब्रिटेन बाहर हुआ है, मतलब यूरोपीय संघ से ब्रिटेन अलग हो गया है। तो ये कब अलग हुआ था, तो जनवरी, यह ब्रिटेन जनवरी 2020 में यूरोपीय संघ से बाहर हुआ था। दोस्तों आशा करता हूँ इतना आप लोगों को समझ आएगा। तो दोस्तों ये जो G20 ये हम लोगों का समाप्त हुआ, देखेंगे आगे अगला सम्मेलन। तो अगला सम्मेलन हम लोग का SCO, दोस्तों जो अगला बात करने वाले हैं वो SCO, जो अगला मीटिंग या संगठन है SCO। तो SCO का फुल फॉर्म होता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसको जो हिंदी मीनिंग होती है, उसका हिंदी मीनिंग होती है शंघाई सहयोग संगठन। तो दोस्तों SCO को हिंदी में कहते हैं शंघाई सहयोग संगठन। तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1996 यानी 1996 में हुई थी। और आगे देखेंगे इसको कि आगे इसको देखेंगे कि परंतु इसकी वास्तविक स्थापना, दोस्तों जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1996 में तो हुई ही थी, लेकिन जो इसके आधिकारिक या फिर वास्तविक जो कागज पर क्रिया हुई थी वो 2001 से शुरू हुई थी। तो दोस्तों जो अगर आपको क्वेश्चन मतलब जो पेपर में अगर आए कि SCO की स्थापना कब हुई थी, तो ऑप्शन में अगर 1996 रहे तो उसको सही कर देना, अगर 2001 मिले तब उसको सही कर देना, कंफ्यूज मत होना। तो दोस्तों जो इसकी वास्तविक स्थापना हुई थी 2001 में हुई थी। बढ़ते हुए आगे वर्तमान में कुल सदस्य देश, तो इसमें वर्तमान में कुल सदस्य देश नौ सदस्य देश हैं। और इसका जो मुख्यालय है बीजिंग चीन, मतलब चाइना का एक शहर है बीजिंग, तो वहां पर इसका मुख्यालय है SCO का। और दोस्तों जो इसकी इसमें जो सदस्य देश हैं वो नौ सदस्य देश हैं। और इसकी ट्रिक देखेंगे, इसकी ट्रिक है आईपी ट्रक। तो आई से देखेंगे इंडिया ईरान, दो देश हो जाएंगे इंडिया ईरान, भारत और ईरान। और पी से हो जाएगा पाकिस्तान, यानी जहां पर अगर भारत है वहां पर पाकिस्तान आ ही जाता है, क्योंकि जहां पर बाप रहेगा वहां पर बेटा जरूर रहेगा। तो इसको याद कर लेना आप लोग, इंडिया और ईरान। दोस्तों आगे बढ़ते हैं ट्रक, तो ट्रक से टी से देखेंगे हो जाएगा टी से तजाकिस्तान, फिर आगे हो जाएगा आर से हो जाएगा रशिया यानी हिंदी में रूस, और ऊ से हो जाएगा उज्बेकिस्तान यानी हिंदी में इसे भी उज्बेकिस्तान कहते हैं, आगे हो जाएगा चाइना यानी सी से देखेंगे तो हो जाएगा एक तो हो जाएगा चाइना और एक हो जाएगा किर्गिस्तान, मतलब चीन और किर्गिस्तान। आगे है के, तो के से हो जाएगा कजाकिस्तान। दोस्तों इसके नौ देश हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, 9 दो इसमें है। तो दोस्तों आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया। दोस्तों अभी आगे इसके देखेंगे SCO की मीटिंग्स, मतलब इसकी बैठकें कहाँ कहाँ हुई हैं देखने वाले हैं। SCO की जो बैठकें हुई थी, तो इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी वो 2001 में हुई थी। SCO की जो प्रथम बैठक थी 2001 में बीजिंग चीन में हुई थी, चीन का एक शहर बीजिंग, तो वहाँ पर हुई थी। दोस्तों 2021 में जो SCO की बैठक हुई थी वो तजाकिस्तान दुशांबे, तो दोस्तों तजाकिस्तान का एक शहर दुशांबे, तो वहाँ दुशांबे में हुई थी। और दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं, आगे 2022 में मतलब इस बार यानी इस साल 2022 में ताशकंद उज्बेकिस्तान में होगी। SCO की बैठक 2022 में ताशकंद उज्बेकिस्तान में होने वाली है। तो दोस्तों इतना आप लोगों को समझ में होगा। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक खुश रहिए मस्त रहिए।